हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ चिकन दम बिरयानी। संडे हो या कोई फेस्टिवल हो, आप लोग का घर में अक्सर बनते रहते हैं। आज मैं आप लोगों को सीक्रेट रेसिपी बता रही हूँ, मतलब सीक्रेट मसाला जो कि मैं घर पे ही बनाती हूँ बिरयानी मसाला। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वेलकम बैक टू माई चैनल देसी खाना खजाना। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे से वॉश कर ली है। वॉश करने के बाद अभी हम लोग इसमें दही ऐड करेंगे। दही मैं यहाँ पे टोटल 4 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद हम लोग इसे मैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके मैं रख दूँगी, ठीक है। तो दही ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार आप लोग ऐड कर लीजिएगा। नमक ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पर मैं काश्मीरी रेड चिली पाउडर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं जीरा पाउडर ऐड कर दूँगी, देखिए। उसके बाद हम लोग इसे अच्छे से हम लोग मिलाएंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट इसे हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। तो ये सब चीज़ को ऐड करने के बाद नींबू यहाँ पे ऑप्शनल है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग दही ले रहे, लेकिन मेरा जो दही था वो ज़्यादा खट्टा नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सा नींबू ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग का दही 3-4 दिन पुरानी है, खट्टा हो चुकी है, तो आप लोग नींबू नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। अभी हम लोग इसे अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद इसे हम लोग आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके हम इसे रख देंगे, ठीक है। आप लोग चाहे आपके पास टाइम है तो आप लोग 1 घंटे के लिए भी आप लोग मैरिनेट करके इसे रख सकते हैं। तो चलिए अभी मैं मसाला का रेसिपी आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं दालचीनी ली, उसके बाद मैं यहाँ पे स्टार चकरी जो होता है, उसके बाद 2 इलायची, छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, उसके बाद मैं यहाँ पे लौंग और गोल मिर्च ये मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा जीरा हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। ये सबको ऐड करने के बाद हम लोग इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इसे हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ठीक है, पूरा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद इसे ठंडा करके आप लोग इसका अच्छे से आप लोग एक पाउडर मतलब मसाला आप लोग इसे ग्राइंडर में, आप लोग मिक्सी में इसे ग्राइंडिंग कर लीजिएगा। अभी मैं एक बर्तन में देखिए यहाँ पे मैं बड़ी इलायची ले रही हूँ, उसके बाद छोटी इलायची ले रही हूँ, उसके बाद स्टार जो चकरी बोलते हैं ये ले रही हूँ, उसके बाद दालचीनी, उसके बाद जावित्री, इसके बाद अभी हम ये सारा मसाला जितना भी है, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जीरा भी ली है। जीरा ये जो आप बिरयानी मसाला मांगेंगे ना, तो उसमें छोटी जीरा मिलती है, आप लोग उसे ही ऐड कर लीजिए, मतलब ले लीजिएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नमक हम यहाँ पे ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी ले रही हूँ, ठीक है। घी डालने से क्या होता है कि हम लोग का चावल जो होता है वो फुरफुरे होता है, मतलब एक दूसरे के साथ चिपकते हैं, ठीक है। तो इससे मतलब आप लोग का जो बिरयानी जो बन के आएगा ना, वो बहुत ही अच्छे बनेगा, एक दूसरे से चिपकेगा नहीं। देखिए यहाँ पे एक उबल आ चुकी थी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे चावल को मैंने यहाँ पे आधे घंटे के लिए भिगो के रखी थी। भिगोने के बाद इसे मैं अच्छे से वॉश कर ली हूँ। वॉश करने के बाद इसे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आप लोग चावल को ऐसे पहले से 15-20 मिनट के लिए भी भिगो देंगे तो भी सही है, ठीक है, चलेगा। इसके बाद इसे हम लोग अच्छे से वॉश करके इसे हम लोग पकाएंगे। इसे हम लोग को पूरा नहीं पकाना है फ्रेंड्स, इसे हम लोग 60% पकाना है। बाकी 40% हम लोग जब दम देंगे तब ये आराम से बाकी 40% मतलब पूरा पक जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे आलू को मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं बिरयानी में आलू पसंद करती हूँ। तो आप लोग चाहें तो आलू को स्किप भी कर सकते हैं या फिर आलू को आप लोग ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे मैंने आलू को मीडियम साइज का कट करके अच्छे से वॉश करके इसे मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। इसे आप लोग अच्छे से मतलब मीडियम फ्लेम में आप लोग इसे फ्राई कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे चावल ऑलमोस्ट इसे 10 मिनट हो चुकी थी लो फ्लेम में। तो अभी हम लोग चावल को चेक कर रहे हैं, अगर ये उंगली में अगर चावल टूट रही है, ठीक है, एक ही बार में, तो ये चावल बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 40% मेरा चावल बन के तैयार है। तो इसे हम लोग छान के एक बर्तन में हम लोग इसे रख देंगे, ठीक है। अभी
आगे देखिए यहाँ पे आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इसे हम लोग एक प्लेट पे निकाल लेंगे। इस तरह से सारा आलू को मैं अच्छे से फ्राई कर ली। फ्राई करने के बाद इसे हम लोग एक प्लेट में हम लोग इसे निकाल देंगे। अभी देखिए पैन पे मेरा तेल वहाँ पे बचा है, उसी तेल में ही, क्योंकि मुझे वेस्ट करने का मन नहीं कर रहा, तो उसी तेल में ही हम लोग प्याज को, यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज का प्याज मैंने लिया है फ्रेंड्स, इसे हम लोग अच्छे से फ्राई कर देंगे। ठीक है, प्याज को भी हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे, क्योंकि इसे हम लोग जब दम देंगे तो वहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे। तो प्याज देखिए यहाँ पर अगर आप लोग को जल्दी करना है तो आप लोग इसमें थोड़ा हल्का सा नमक ऐड कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे प्याज बिल्कुल ही फ्राई हो चुकी है, तो इसे भी मैं एक प्लेट पे निकाल के साइड में रख दूँगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग फ्राई कर लीजिएगा। अब मैं देखिए इस बर्तन में मैं थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ। ऑयल लेने के बाद यहाँ पर मैं 2 तेज़पत्ता यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर 2 चिल्ली, मैं यहाँ पर ग्रीन चिल्ली यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद देखिए आधा घंटा मैं ये चिकन को मैरिनेट करके रखी थी, अब हम इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करके इसे हम लोग अच्छे से हम लोग इसे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए हम लोग इसे अच्छे से थोड़ा सा पका लेंगे। ठीक है, तो कोई कोई लोग बिना पकाते भी दम दे के ही बना लेते हैं, लेकिन मैं प्रिफर करती हूँ कि थोड़ा सा 6-7 मिनट अगर हम लोग इसे पका लेंगे तो खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे मैं थोड़ा देर, मतलब 7 से 8 मिनट के लिए आप लोग इसे हल्का सा थोड़ा सा इसे पका लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे चिकन का, अभी मैं देखिए यहाँ पे चिकन का पानी छोड़ने लगी है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चिकन को थोड़ा सा पूरा नहीं पकाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए। यहाँ पे जो मैं बिरयानी मसाला आप लोगों को जिस रोस्ट करके जो ग्राइंडिंग करने बोली थी, उसी बिरयानी मसाला को यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे फिर से मैं यहाँ से 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इसे अच्छे से मैं चिकन को अच्छे से भून लूँगी। ठीक है, चिकन को आप लोग थोड़ा अच्छे से भून लीजिएगा, मैं वही बोली 7 से 8 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को दम देना है इसलिए। अब जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे, इसे मैं इस वक्त ही मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ, ताकि आलू भी मसाला के साथ अच्छे से मिल जाए। उसके बाद हम लोग इसे अच्छे से ही दम दे देंगे। तो देखिए आलू को यहाँ पे मिलाने के बाद इसके अच्छे से मैं मिला ली। अब देखिए यहाँ पे टोटल 7 से 8 मिनट हो चुकी थी, तो अभी हम लोग चिकन को दम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो चावल हमने निकाल के रखे थे, तो वो चावल को हम यहाँ पे पहले 2-3 लेयर इसमें हम लोग पहले चिकन सबसे नीचे है, उसके बाद चावल को हम लोग यहाँ पर 2-3 लेयर अच्छे से दे देंगे। देखिए चावल को इस तरह से आप लोग 2-3 लेयर दे देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे मैं धनिया पत्ता यहाँ पे और पुदीना का पत्ता यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। इसे ऐड करने के बाद इसके बाद मैं यहाँ पे देखिए जो प्याज को मैं फ्राई करके रखी थी, आप लोग चाहे तो बाज़ार में आजकल फ्राई वाला पैकेट भी मिलता है ऑनियन, आप उसे भी ले सकते हैं। उसे मैं यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे फूड कलर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। फूड कलर ऑप्शनल है, आप लोग चाहो तो यहाँ ऐड कर सकते हैं, या फिर नहीं भी ऐड करेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद हम लोग फिर से जो बचा हुआ जो चावल है उसे हम लोग उसके ऊपर फिर से यहाँ पे दे देंगे। चिकन को जब कोई गेस्ट आए या कोई आए तो थोड़ा सा फूड कलर दे के बनाने से देखने में भी बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, वरना आप लोग ऐसे ही घर में बना रहे तो बिना फूड कलर का भी आप लोग बना के खा सकते हैं, क्योंकि फूड कलर का कोई टेस्ट नहीं होता है, वो बस देखने के लिए ही, मतलब जो खाना है थोड़ा सा देखने में अच्छा दिखे इसलिए फूड कलर लोग ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जितना चावल था मैं सबको ऐड कर दी। ऐड करने के बाद बाकी का जो पुदीना और धनिया पत्ता जो था इसे मैं ऊपर में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे जो बाकी का जो प्याज था उसे भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। देखिए इस तरह से आप लोग ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद जो फूड कलर है और थोड़ा सा है उसे भी हम लोग ऊपर से और थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 चम्मच यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से ऐड करने के बाद अभी हम लोग इसे मैं यहाँ पे 20 मिनट के लिए यहाँ पे मैं दम के लिए यहाँ पे मैं छोड़ दूँगी।
गैस का फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखें। देखिए नीचे मैं एक तवा दी हूँ, उसके बाद जिसमें बिरयानी है वो, और ये मेरा पत्थर का जिसमें हम मसाला वसाला कूटते हैं, बहुत ही हेवी है, उसको मैं ऊपर जैसे कि मतलब वो डेगची का जो उसमें से गैस बाहर ना निकले, ठीक है। तो देखिए 20 मिनट के बाद मेरा चिकन दम बिरयानी बिल्कुल बनके तैयार है। इसकी जो खुशबू भी आ रही है ना, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, यकीन मानिए बहुत ही अच्छा टेस्टी बना था। और आप लोग भी इस तरह से घर में ज़रूर बनाइए, फेस्टिवल हो चाहे ऐसे ही हो या फिर कोई गेस्ट भी आए, तो आप लोग ज़रूर इसे घर में एक बार ट्राई कीजिएगा। और मैं जो मसाला आपको बताई हूँ बिरयानी का मसाला, उस मसाला से एक बार आप लोग घर में ज़रूर बनाइए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा इस ये स्टाइल में बिरयानी खा के बना के कैसा लगा, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन जो आती है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।